इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 3 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। 3 दिसंबर के दिन एक ऐसी घटना हुई जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को सदियों तक ना भूलने वाला दर्द दे गई। दरअसल 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में कई हजार लोगों की जान चली गई, जबकि घायल होने वालों की तादाद भी हजारों में थी। इसके साथ ही इस हादसे से अजन्मे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर भी सवालिया निशान लग गया। देश दुनिया के इतिहास में 3 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1790 में लॉर्ड कार्नवालिस ने मुर्शिदाबाद के नवाब से फौजदारी न्याय प्रशासन का अधिकार छीनकर सदर निजामत अदालत कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। 1796 में आज ही के दिन बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया था। आज ही के दिन 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म आज ही के दिन 1882 में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आज ही के दिन 1884 में हुआ था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। आज ही के दिन 1910 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जारजेज क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन किया गया था। हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार शिव नारायण श्रीवास्तव का जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। आज ही के दिन 1920 में तुर्की और आर्मेनिया शांति समझौते पर सहमत हुए थे। भारतीय भाषाविद विनोद बिहारी वर्मा का जन्म आज ही के दिन 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जनकवि रमा शंकर यादव विद्रोही का जन्म आज ही के दिन 1957 में हुआ था। आज ही के दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हुआ था। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक लांस नायक अल्बर्ट एक्का का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन आज ही के दिन 1979 में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज का जन्म आज ही के दिन 1982 में हुआ था। आज ही के दिन 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने से कम 3000 लोग हताहत हो गए थे और कई हजार शारीरिक रूप से विकृत के शिकार हो गए थे। इसे दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी में गिना जाता है। 1989 में आज ही के दिन रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म होने की घोषणा की थी। आज ही के दिन वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 2008 में आज ही के दिन मुंबई में हुई आतंकवादी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बिलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता देव आनंद का निधन आज ही के दिन 2011 में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही, कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।